इमली के सेट पर मौत ने दी दस्तक, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा मामला, अब मेकर्स पर होगी बड़ी कार्रवाई। मंगलवार 20 सितंबर को स्टार प्लस के फेमस शो इमली के सेट पर बेहद ही बड़ा हादसा हो गया। खबरों में बताया जा रहा है कि इमली के सेट पर करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गोरेगांव फिल्म सिटी में चल रही इमली सीरियल की शूटिंग के दौरान शाम 5 बजे गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव नाम के शख्स के साथ ये हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि करंट लगने से उनकी मौत हो गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र यादव की उम्र महज 23 साल की बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद महेंद्र को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीरियल की टीम या चैनल की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये खबर काफी वायरल हो रही है और जो भी इस दर्दनाक घटना के बारे में सुन रहा है हैरान है। वहीं अब मेकर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की खबर भी सामने आई है। जी हां, दरअसल इस बात की जानकारी देते हुए AICWA यानी कि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश ने इस वीडियो को शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए सुरेश ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग की है कि शो के प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस चैनल पर मुकदमा दर्ज हो, साथ ही लाइटमैन महेंद्र के परिवार को 50 लाख रुपए भी दिए जाएं। दरअसल फिल्म सिटी में इससे पहले भी कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। हाल ही में यहां एक सेट पर आग भी लग चुकी है। इसके अलावा सेट पर अजगर तेंदुए हमले भी कर चुके हैं। मुंबई स्थित इस फिल्म सिटी में हर रोज कई शोज की शूटिंग होती है। ये जगह संजय गांधी नेशनल पार्क से लगी हुई है, लेकिन अब जिस तरह से शो के सेट पर शख्स की मौत हुई उससे AICWA काफी नाराज है और मेकर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग तक कर रहे हैं। हालांकि अब देखना तो ये है कि मेकर्स या फिर स्टार्स की तरफ से इस दर्दनाक हादसे पर क्या कुछ कहा जाता है।